और मिस्टर वर्मा, क्या हाल चाल? काम धंधा मस्त चल रहा होगा? फेस्टिवल में तो खूब मसाले बिक रहे होंगे, नहीं? आफ्टर ऑल टेस्टी फूड, किलर एटीट्यूड, वर्मा जी के कड़ची तोड़ मसाले। अरे एटीट्यूड का ही तो प्रॉब्लम है ऋषि भाई साहब, और जिस हिसाब से सेल चल रही है ना, उस हिसाब से कड़ची टूटे ना टूटे मेरी कमर जरूर टूट जाएगी यार। क्या हुआ? अरे भाई साहब, ऑफिस में एक बंदा था यार, ठीक है, गलती पे गलती किया जा रहा था, तो पहले तो मैंने इग्नोर किया, पर जब उसने बार बार गलती की ना, तो मैंने प्यार से पुचकार के, दोस्त बना के, हर तरीके से समझाने की कोशिश की, पर जब भाई साहब अति होगी ना, तो मेरा दिमाग खराब हो गया और मैंने खरी खरी सुना दी उसको। उसने मेरे ही ऑफिस में मेरे ही प्रिंटर से गर्मा गर्म इस्तीफा निकाला और मेरे ही आदमी पकड़ा के चला गया। हाँ भाई साहब, किसी को आज के टाइम में तो कुछ कह ही नहीं सकते आप। अब अपने ही ऑफिस में मैं डरा डरा सहमा सहमा घूमता रहता हूँ। क्या ना, स्टाफ मैनेज करना इज एन आर्ट एंड आई एम एन आर्टिस्ट। अब देखो, मेरे अंडर 4 अकाउंट्स हैं और हर अकाउंट में 5 लोग, तो टोटल कितने लोग हैं मेरे अंडर? 20। या यू आर राइट, बेसिकली आई एम लाइक अ स्टार्टअप विद इन अ कंपनी। भाई साहब, क्यों नशा ढीला कर रहे हो? आराम से समझाओ ना। अब देखिए, मैं क्यूट सा, स्वीट सा, अडोरेबल सा हूँ, तो सब मेरी बात मान जाते हैं, बट नॉट ऑलवेज। कभी कभी मुझे भी बुरा बनना पड़ता है, सो दैट पीपल डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड। मुझे बिल्ली बनकर अपने ही गले में घंटी बांधनी पड़ती है, ताकि जब ये बिल्ली ऑफिस में एंट्री करे तो सबको पता चल जाए और वो लोग अलर्ट हो जाए। यूं भीगी बिल्ली बनने से कोई फायदा नहीं होगा, सब सर सर करके सर पे बैठ जाएंगे आपके। लेकिन भाई साहब, इससे लोग काम छोड़ के भाग जाते हैं ना। अगर आप उन्हें उनकी गलती पहली बार में ही बता दोगे तो ये नौबत ही नहीं आएगी। अच्छा, जो गलत करे उसे ये बताना बहुत जरूरी है कि वो गलत कर रहा है, नहीं तो वो गलती पे गलती करता जाएगा, और ये ना बताना आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। जो जहां गलती करे उसे वहीं टोक दो, फिर चाहे वो कोई भी हो। लाइफ का गोल्डन रूल है, जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा। कोई गलती करके दिखाए यार। Yes. अरे नहीं 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 कौन? अरे नहीं, आई एम ऑन डाइट। रोहिणी जी, मुझे वो आपके पार्लर का नंबर दीजिए ना। अरे आप लास्ट वीक तो बता रहे थे कि हमारी पिछली वाली गली में एक पार्लर खुला है और अच्छे डिस्काउंट भी चल रहे हैं। अरे गलती से भी उस पार्लर में मत जाना। मैं गई थी ना वहाँ वैक्सिंग कराने, उन्होंने गरम गरम वैक्स मेरे हाथों पे ऐसे लगाई मानो जैसे ब्रेड पे मक्खन लगा रही हो, पूरी स्किन जला दी मेरी। गॉड, आप ऐसा कीजिए ना, किसी मॉल में चले जाइए, मॉल में तो सलॉन्स होते ही हैं। मॉल में माल भी तो बहुत लगता है, वो लोग तो एसी के पैसे भी हमसे ही वसूल करते हैं। वैसे आप पार्लर का नंबर क्यों नहीं दे रही हो? अरे एक्चुअली मैं वैक्सिंग करवाती ही नहीं हूँ। आपको नंबर नहीं देना तो अलग बात है, लेकिन झूठ तो मत बोलिए। अरे झूठ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मुझे वैक्सिंग करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं स्किन्जी से लेजर हेयर रिडक्शन ट्रीटमेंट जो करवा चुकी हूँ। लेजर ट्रीटमेंट? लेकिन वो तो आंखों का होता है ना। अरे नहीं, ये डिफरेंट तरह का लेजर होता है, बॉडी हेयर का परमानेंट सॉल्यूशन। इसमें स्किन्जी का एक्सपर्ट घर आता है अपना पूरा इक्विपमेंट लेकर और आपके बालों को जड़ से जला देता है। जला देता है? कैसे, लाइटर से या माचिस से? अरे नहीं नहीं, लेजर टेक्नोलॉजी से। और ये सारा का सारा प्रोसीजर एकदम पेनलेस है, क्योंकि स्किन्जी यूज करता है आई स्कूल टेक्नोलॉजी। अच्छा, इतना दाम जाम है तो फिर खर्चा भी बहुत होता होगा। एक बार का खर्चा और लाइफ लॉन्ग सेविंग्स, और बाकी सारी प्रॉब्लम्स जैसे कि स्किन बर्न, रैशेस, पेन वगैरह, इन सब से परमानेंट छुटकारा। मैं आपको बताती हूँ, आप स्किन्जी बाय मेको ऐप पर जाइए और 499 का ये ट्रायल सेशन बुक कर लीजिए। क्या बात है, क्या क्या आ गया ना मार्केट में। और ये सब चीजें ना हमारी कन्वीनियंस के लिए हैं। मेरा तो एक सिंपल सा फंडा है लाइफ में, अगर कोई चीज बार बार प्रॉब्लम दे रही है तो उसे जड़ से उखाड़ दो, ताकि प्रॉब्लम का नामो निशान मिट जाए। कुछ आवाज आ रही है। सुन लिया तुमने? मोमोज नहीं खानी चाहिए थी मुझे। अरे नहीं, किसी बिल्ली के रोने की आवाज आ रही है। बिल्ली नहीं, ये कोई कुत्ता रो रहा है यार। जाओ देख कर आओ ना। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे काट लिया तो। तुम जाओ। अच्छा, मतलब मुझे काटने का तो चलेगा? नहीं, आई मीन दोनों चल के देखते हैं, दैट वे ही हैव अ चॉइस। चलो। मिस्टर वर्मा, क्या हुआ?
भाई साहब वो आपकी भाभी। Oh my God। अरे सुबह ही तो आई थी पनीर मांगने। अरे भाभी जी वो पनीर के चक्कर में ही तो जिंदगी की भुर्जी हो रखी है यार। क्या हो गया? अरे यार उसने मुझे घर से निकाल दिया बताओ। Oh thank God। Thank God। Oh my God। नहीं हमें लगा वही। यार आप एक काम कीजिए अंदर आइए ना, अंदर चल के बात करते हैं। आजिए। लेकिन ये तो बताइए कि उन्होंने आपको घर से निकाला क्यों? किस मुंह से बताऊं? अपने मुंह से ही बताइए। और अगर रोहिणी के सामने प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोग अंदर जाके बात कर सकते हैं मैन टू मैन। भाई साहब ऐसी बात ही नहीं है, दरअसल कोई बात है ही नहीं। अरे यार किस घर में मियां बीवी के बीच में नोकझोंक नहीं होती है? लेकिन ये जो नोकझोंक है ना इसको आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। कभी कभी छोटी छोटी नोक छोक में काफी बड़ी बड़ी चीजें छुपी होती हैं। और घर से निकालना बहुत बड़ी बात है, इट्स अ बिग डील। अरे यार मुझे तो एक जोड़ी कपड़ा भी नहीं लेने दिया। आप वो जेफ भाई साहब को देख लो। कौन जेफ? अरे वो जेफ बेहोश अमेज़न वाले, उनकी वाइफ ने भी उनको घर से निकाला था। ठीक है तो आधी प्रॉपर्टी दी थी ना उन्हें? घर से नहीं निकाला था, उनका डिवोर्स हुआ था। तो यानी कि मुझे अपना सामान लेने के लिए रश्मि को डिवोर्स देना पड़ेगा? यार इसमें तो वकील से बात करनी पड़ेगी। भाई साहब इसका चार्जर है क्या आपके पास? कौन सा है? टाइप सी। सी टाइप बातें तो आप कर रहे हैं। हाँ डिवोर्स। डिवोर्स कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। लेकिन घर से निकालना भी तो कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। अच्छा ठीक है एक काम करते हैं, आप आज रात यहीं सो जाइए और कल सुबह मैं मिसेस वर्मा को यहीं ले आऊंगी, आमने सामने बैठकर बात कर लेंगे, डेफिनेटली कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा। भाई साहब मेरे को ना आज ये वाला सोल्यूशन लगेगा, है ना अपने पास कुछ? देखता हूँ कुछ बचा है क्या। आइए 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 बैठिए बैठिए। कैसी हैं आप? बढ़िया बढ़िया। हाँ वैसे वो मैंने जो आपको दम आलू की रेसिपी भेजी थी बनाया आपने? नहीं मैं सोची थी कि आप एक बार डेमो ही दे देते। आपको मेरे हाथ के बने दम आलू खाने है ना? वो बात तो बिल्कुल ठीक है, तो मैं सोची थी कि आप आज का लंच हमारे साथ ही कर लीजिए। अरे बिल्कुल नहीं, आज का मेरा प्लान बना हुआ है। आज मुझे मॉल जाना है, वहाँ शॉपिंग करनी है, फिर लंच करना है। देख रहे हो भाई साहब तो पार्टी की तैयारी कर रही है और मेरा हुक्का पानी ही बंद कर रखा है। आप हुक्का पीते हैं? इट्स वेरी बैड फॉर हेल्थ यार। क्या बात है, कुछ स्पेशल है क्या आज? स्पेशल बनाना पड़ता है वरना सारी जिंदगी मटर पनीर बनाने में गुजर जाती है। यार ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? गौर से देखिए इस आदमी को, ये आप ही का आदमी है, इसी के नाम का मंगलसूत्र आपने पहन रखा है, आपका पति। मुझे इनकी शक्ल नहीं दिखनी। अरे आप क्या कर रही हैं मिसेस वर्मा, क्या इसी दिन के लिए आपने मिस्टर वर्मा के गले में वरमाला डाली थी? आपको तो शर्माना चाहिए, मेरा मतलब है आपको शर्म आनी चाहिए। कैसी हरकत कर रही हैं आप इसके साथ? जो भी है पर मुझे इनकी शक्ल नहीं दिखनी। नहीं देखनी है ना शक्ल? नहीं। पक्का? हाँ। तो ऋषि भाई साहब आज के बाद मुझे भी इनकी शक्ल नहीं देखनी है। बहुत अच्छी बात है। अरे अब अरे चल डोंबिवली की लोकल। यार ये दोनों तो एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं है, बात कैसे करेंगे? मैं मिसेस वर्मा से बात करता हूँ, तुम मिस्टर से करो। ओके। मिसेस वर्मा आप मेरी शक्ल में आइए, टॉक टू मी। और आप प्लीज 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 यहाँ बैठिए आप प्लीज प्लीज। भाभी जी ये कोई तरीका है क्या? बिल्कुल। मुझे ये बताइए कि आपकी लड़ाई हुई क्यों? अरे भाभी जी कल रात की बात है। खा लिया खाना? आपकी फेवरेट मटर पनीर की सब्जी बनाई थी, कैसी लगी? एक बात बताओ ये तुमने नमक दानी का वो चम्मच चेंज किया है क्या? नहीं। तो नमक का ब्रांड चेंज किया होगा तो इसका मतलब पक्का गलती तुम्हारी है। क्या? नहीं यार सब्जी में नमक डालते हैं या नमक में सब्जी डाल के बनाते हैं? पूरा का पूरा मुंह कड़वा हुआ पड़ा है मेरा अभी तक। हो जाता है कभी कभी। 15 दिन में तीसरी बार हो रहा है ये, तेरे को पता नहीं है कि ज्यादा नमक खाने से हार्ट प्रॉब्लम होता है? ये बात आप करो ही मत, आपके पास तो हार्ट है ही नहीं। अरे मेरा मतलब बीपी बढ़ता है इससे। बीपी की चिंता है और बीवी की कोई चिंता नहीं। वो 2 घंटे किचन में खड़े रहकर मैं खाना बनाती हूँ और उसके बदले मुझे क्या मिलता है? बेइज्जती अपमान। मेरी भी इज्जत है, वक्त आ गया कि मैं रोज रोज का टंटा ही खत्म कर दूं। मैं आपके साथ नहीं रह सकती। अरे भाई मैं तुझे तेरी गलती इसलिए बता रहा हूँ ताकि तू अपनी गलती को सुधारे। सही कहा आपने, अब वक्त आ गया है मेरी गलती सुधारने का। वेरी गुड। वो गलती जो 15 साल पहले मैंने आपके साथ शादी करके की थी, अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। अबे इतनी सी बात पे कोई घर छोड़ता है क्या? अरे यार आप लोगों ने तो राई का पहाड़ बना दिया। अरे राई का नहीं नमक का पहाड़ बन गया जी। मटर के चक्कर में आप अपनी शादी का शटर डाउन कर रहे हो। मेरी मानिए सॉरी बोल के मैटर खत्म कर दीजिए। अरे भाभी जी काहे का सॉरी, गलती उसने किया तो सॉरी वो बोलेगी ना। सॉरी बोलेगी मेरी जुत्ती ना, मैं सॉरी बोलूंगी ना मैं सॉरी सुनूंगी। जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा,
ये लाइफ का गोल्डन रूल मुझे ऋषि भाई साहब ने सिखाया है और अब यही मेरे जीवन का आधार है। मैंने तय कर लिया है, अब मैं रोहिणी जी की बात पर अमल करूंगी। रोहिणी क्या? अगर कोई चीज बार बार परेशान कर रही है तो उसे जड़ से उखाड़ दो ताकि प्रॉब्लम का नामो निशान ही मिट जाए। वाह वाह रोहिणी। अरे वाह वाह, तो मुझे तुम्हारी करनी चाहिए। तुम्हारी वजह से जो लोग एक दूसरे पर मरते थे आज वो एक दूसरे को मारने पर तुले हुए। मेरी वजह से? हाँ, और नहीं तो क्या। मिस्टर ज्ञानचंद, क्या ज्ञान देख रहे हो मिस्टर वर्मा को? लाइफ का गोल्डन रूल, जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा। छी ऋषि, दैट्स सो मीन। लाइफ का गोल्डन रूल बोला था, मैरिड लाइफ का नहीं। मैरिड लाइफ का तो मुझे पता है ना, आई नो। अब वाइफ की कितनी गलतियां होती हैं, कभी मैंने तुम्हें टोका, कभी रोका, कभी कुछ कहा नहीं। बट यू आर रॉन्ग, तुम्हें नहीं भड़काना चाहिए था मिसेज वर्मा को। क्या कहा तुमने? प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ के फेंक दो। हस्बैंड को कोई जड़ से उखाड़ के फेंकता है? अरे मैं तो उनके बॉडी हेयर ग्रोथ के बारे में बात कर रही थी यार। हेयर ग्रोथ? अब देखो, शादी में हर चीज की जड़ हस्बैंड ही होता है, लेकिन अगर हस्बैंड को ही निकाल के फेंक दोगे तो फिर शादी बचेगी नहीं ना। आई मीन हमारी शादी को तो इतने साल हो गए, यू नो दिस। राइट, बट दैट्स आल्सो बिकॉज़ वी आर मेड फॉर ईच अदर ना। रब ने बना दी जोड़ी। लेकिन हमने उनकी जोड़ी तो खराब कर दी ना। हमने कुछ नहीं किया, जो किया उन लोगों ने ही किया। अब गलत इक्वेशन पे गलत फॉर्मूला लगाएंगे तो धमाका तो होगा ही ना। लेकिन हमें उनकी केमिस्ट्री ठीक करनी पड़ेगी ना। बहुत सूट कर रही है आपको। हाँ भाई साहब, मैं ही रख लूंगा इसको तो। एक वीडियो दिखाना था, देखिए। यार भेज दीजिए ना, रात को देख लूंगा। अरे ऐसे वैसे वीडियो नहीं है, फैमिली वीडियो है। देखिए आप जानते हैं इसे। मिसेस वर्मा, आपने बहुत सही डिसीजन लिया। कोई ऐसे ट्रीट करते अपनी इकलौती वाइफ को? कैसे झेला आपने उसे 15 साल? अरे मैं तो 15 दिन ना झेलू ये सब। इनफैक्ट हमारा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो डिवोर्स लॉयर है, उससे हमने बात भी कर ली है, वो आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट देगा। अरे लेकिन आप बिल्कुल टेंशन मत करो। ऐसा अड़ियल, ऐसा घमंडी, ऐसा घटिया इंसान, रूड, जल्लाद किस्म का डंपी। बस चुप करिए आप दोनों। मैं एक लफ्ज भी नहीं सुन सकती मेरे वर्मा जी के बारे में। वो मेरे पति है, उन्हें कुछ भी कहने सुनाने का कॉपीराइट सिर्फ मेरा है। 15 साल हो गए हमारी शादी को, वो मुझ पर एक बार भी नहीं चिल्लाए, मैं ही उन पर चिल्लाती रहती हूँ। अरे आप जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत ली। फैसला मैं ले चुकी हूँ, आप दोनों निकल जाइए मेरे घर से और वो वर्मा जी को भेज दीजिए। एक वर्ड नहीं सुन सकती आपके अगेंस्ट। नमक तेज, चीनी कम, तीखा, मीठा, ये सब चीजें कोई गलती नहीं होती है, ये तो शादी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होती है। अगर ये सब नहीं होगा तो शादी फीकी हो जाएगी। करेक्ट। अरे भाई साहब, आपने बोला था लाइफ के रूल्स मैरिड लाइफ में नहीं अप्लाई होते ना। मैरिड लाइफ में कमियां निकाली नहीं जाती, एक्सेप्ट की जाती हैं। और आपकी वाइफ ने एक्सेप्ट कर लिया, अब आपकी बारी। और व्हाइल यू आर एट इट, उन्हें प्लीज बोल दीजिएगा कि ये सारा ड्रामा हमने आप लोगों के लिए किया था, ऐसा नहीं हो कि हमसे डिवोर्स लेने आ रही हैं। भाई साहब, अभी तो ना मैं भी मिसेज वर्मा को बहुत मिस कर रहा हूँ। उनके हाथ की चाय पीता हूँ घर जाके। ये आपके यहाँ की चाय जो है ना, वो थोड़ी मतलब स्किम्ड मिल्क यूज करते हैं हम लोग। इट्स गुड फॉर हेल्थ। या एग्जैक्टली, और 2 दिन से तो चुस्कियां लेके पी रहे हैं। एप्स निकलेंगे ना तब याद आएगी हमारी चाय। हाय गाइस। भाई अब झगड़े किस पति पत्नी में नहीं होते, लेकिन इम्पोर्टेंट बात है लाइफ में आगे बढ़ना और साथ में आगे बढ़ना। करेक्ट। हाँ, और नई चीजें सीखना तो हमेशा अच्छी बात होती है, फिर चाहे वो रिलेशनशिप्स के बारे में हो या फिर स्किन्ज़ी बाय मेको की लेजर हेयर रिडक्शन सर्विस के बारे में। इस सर्विस से आपके बॉडी हेयर ग्रोथ में 90% तक रिडक्शन होती है। सो नो मोर वैक्सिंग। यस, तो जल्दी से मेको ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना ट्रायल सेशन बुक कीजिए और घर बैठे बैठे ये सर्विस एक्सपीरियंस कीजिए और नीचे दिए गए लिंक पर पाइए ग्रेट डिस्काउंट। अगर खाने में नमक ज्यादा हो जाए या मिर्ची ज्यादा हो जाए तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि जिंदगी जो है ना वो मसालों से ही बनती है। और अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड शिटी आइडियाज ट्रेंडिंग को सब्सक्राइब करिए। यस, दिस इज ऑल ऑफ अस साइनिंग आउट। लव एंड पीस फ्रॉम अस टू यू। बाय बाय, टेक केयर। हो जाता है ना कभी कभी। अरे तो अभी भी बोलना जरूरी है क्या यार? अभी तो हम कुछ और बात कर रहे हैं ना। कमाल है। अरे ऋषि भाई, आप यार कमाल कर रहे हैं क्या? व्हाट इज दिस यार?